हेलो एवरीवन, मैं मामपी आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आप जब भी घर में पनीर की सब्ज़ी बनाएं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, पनीर को आप फ्राई करें या ना करें, लेकिन आप पनीर को गर्म पानी में चीनी घोल के 10 मिनट के लिए भिगो के रखें। इससे जो आपका पनीर है बहुत ही सॉफ्ट रहेगी। मेरा जो तबीयत है ये कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आवाज़ जो है वो अच्छी नहीं आ पा रही है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो अभी जो है हमने यहाँ पे कच्चा नारियल और काजू बादाम का एक पेस्ट तैयार कर लिया है। तो अभी जो है हमने कढ़ाई में थोड़ी सी तेल ऐड कर दिया है, इसमें कुछ गरम मसाले, खड़े गरम मसाले हम ऐड कर लेंगे। अभी बड़े बड़े साइज़ में ही प्याज को काट कर कर ऐड कर दिया है, इसी के साथ टमाटर गोभी ऐड कर लेंगे। अभी जो है हम इसमें कुछ लहसुन के कलियाँ और 2-3 मिर्च, जितना आप मिर्च खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से दे सकते हैं। अभी जब तक ये पूरा ट्रांसल्यूशन ना हो जाए जो प्याज है, तब तक हम इसे भून लेंगे। तो इसे भूनने के बाद हमें क्या है, इसे फिर से मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका एक पेस्ट बना लेना है। अगर आप इस तरह से सब्जी को बनाएंगे तो आपका जो सब्जी है वो बहुत ही क्रीमी, ग्रेवी बहुत ही थिक होगा। तो चलिए अभी हम इसे ग्राइंडर में डाल के इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे करीब 1 इंच का एक अदरक का टुकड़ा को काट करके भी ऐड कर दिया है, जिसे हमने कच्चा ही ऐड किया है, फ्राई नहीं किया था। तो ये देखिए, फिर से हमने कढ़ाई में तेल डाल के जो पेस्ट किया हुआ जो मसाला था इसे यहाँ पर ऐड कर दिया है। अभी हमें मसालों को अच्छी तरह से फिर से इसे भूनना है। अभी इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, हम इसमें थोड़ी सी जीरा पाउडर ऐड करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, जिससे इसका जो कलर है काफ़ी अच्छा आएगा। तो चुटकी भर हल्दी भी ऐड कर लेंगे। तो अभी इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से हमें भूनना है, जब तक इसमें से तेल ना रिलीज़ हो जाए तब तक हम इसे भून लेंगे। तो इसी के बीच मैं यहाँ पे नमक देना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे नमक का ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए जो मसाले हैं ये बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, इसका जो कलर है कितना अलग हो चुका है। तो अभी जो है हम इसमें दही ऐड करेंगे, अगर आप चाहे तो मीठी दही भी ऐड कर सकते हैं या तो खट्टी वाली भी ऐड कर सकते हैं। जब आपको दही को ऐड करना है तो जो गैस का जो फ्लेम है उसे लो कर देना है और दही को ऐड करना है, और दही को ऐड करने के साथ ही साथ आपको खूब अच्छी तरह से इसे फेंटना है, नहीं तो दही क्या है वो फट जाएगी। तो ये देखिए अभी हमारा जो दही है वो भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अभी जो है इसमें हम क्या करेंगे, जो एवरेस्ट का जो मसाला आता है पनीर मसाला, इसे थोड़ा सा ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो ना कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद क्या है, हमें इसमें पानी ऐड कर देना है, पानी आप जितना देना चाहे आप दे सकते हैं। तो मैंने थोड़ा कम ही पानी दिया है, बहुत ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता। तो अभी जो हमने नारियल और काजू बादाम का पेस्ट रखा था इसे ऐड कर देंगे और मिला देंगे। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, अभी एक उबाल आने दें, इसके बाद जो पनीर है उसे हमें ऐड करना है। तो ये देखिए अभी जो हम पनीर को ऐड कर देंगे, मेरा जो बात का जो वीडियो का क्लिप्स था वो कैसे पता नहीं डिलीट हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं पनीर का रेसिपी लगभग रेडी है, लास्ट फिनिशिंग नहीं दिखा पाई, इसके लिए सॉरी।